केन्द्रीय प्रायोजित योजना अधीन आदिवासी पिलांको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप निमंते 440 कोटी 36 लाख टंका आदिवासी पिलांको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पई 2432 कोटी 38 लाख टंका आदिवासी गवेषणा संस्थागुडी को सहायता पई 111 कोटी टंका विशेष भाबरे दुर्बल जनजाति गोष्ठी बा पीवीटीजिंको विकास पई 20 कोटी टंका प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना पई 1000 कोटी टंका राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल गुडी को पई प्रशासनिक खर्च बाबदे 55 कोटी 96 लाख टंका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान बा पीएम जनमन पई 240 कोटी टंका आवंटित हेबार व्यवस्था होईछि एहिपरि भाबरे विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजना रे 4300 कोटी टंका खर्च पई अटकल करा जायछि अन्यान्य मंजूरी एवं ट्रांसफर मध्ये रहिछि भारतीय संविधानर धारा 275(1) अधीन रे आदिवासी अंचल रे विभिन्न भित्तिभूमि विकास पई जे प्रावधान रहिछि सेथि पई 1541 कोटी 47 लाख अनुदान भारतीय संविधानर धारा 275(1) एवं क्लोज क अधीन रे आसाम सरकार को 0.1 कोटी टंका अनुदान एहिपरि भावरे अन्यान्य मंजूरी एवं ट्रांसफर भावरे 1541 कोटी 48 लाख टंका आवंटन पई व्यवस्था होईछि अनुसूचित जनजाति संबंधी योजनार बजेट को केन्द्रर मोदी सरकार पूर्व तुलना रे 6 गुणा वृद्धि करिछन्ती सरकार को प्रत्येक योजना जेपरि जनजाति संप्रदाय निकट रे यथाशीघ्र पहुंची परिबो सेथिपई समस्त प्रकार प्रयास जारी रखिछन्ती सरकार या सहित केन्द्रर मोदी सरकार आदिवासी संस्कृति एवं समानक सम्मान पई मध्य विभिन्न पदक्षेप नेउछन्ती जहाँ समानकर सर्वांगीण विकास दिगरे बड़ सहायक हो परिबो नूतन भावरे आरंभ कर जायतिबा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेही दिगरे आउ एक बलिष्ठ पदक्षेप जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।